गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज हम आपको बताएंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन के कितने टाइप होते हैं। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी हम गणना कर सकते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन वो होता है जो हमें किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस, स्थान और थिंग्स, वस्तु का बोध कराता हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर पर्सन किसी का नेम आ गया, प्रॉपर प्लेस किसी जगह का नेम हो गया, प्रॉपर थिंग्स जैसे कोई भी प्रॉपर थिंग्स जो जैसे गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल इत्यादि। फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो हमें किसी कॉमन पर्सन, किसी कॉमन यानी किसी जाति का बोध कराए, यानी किसी पुरुष जाति का बोध कराए, किसी स्थान का बोध कराए और किसी थिंग्स का बोध कराए जो एक समूह के अंदर हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर पर्सन जैसे मैन और वोमैन। मैन के अंदर ये नहीं है कि कोई एक सिंगल पर्सन है, नहीं, पूरी वोमैन जाति का बोध कराया। वोमैन, वोमैन के अंदर किसी का प्रॉपर नेम नहीं है, ये वोमैन पूरी जाति के लिए आ गया। फिर आ गया टाउन, फिर आ गया स्कूल। टाउन कौन सा है, कहाँ का है, क्या है, ये नहीं है। स्कूल छोटा है या बड़ा है, ये नहीं है, यानी इसमें सब स्कूल आ गए, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो। टेबल, बुक्स, टेबल टेबल कोई भी हो, छोटी बड़ी। बुक्स, बुक्स किसी प्रॉपर बुक का नाम नहीं है इसके अंदर, हिंदी की है या इंग्लिश की है, इसके अंदर पूरी बुकों की गणना होगी। आगे आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ये क्या है कि ये वो नाउन है जो हमें किसी पुरुष जाति का जो ग्रुप होता है उसका बोध कराए, और कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो वस्तुओं का जो कलेक्शन किया जाता है, जो इकट्ठी होती है, जिनका एक जगह ढेर सारी इकट्ठी किया होते हैं, उनका बोध कराए, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ पर्संस। कलेक्शन ऑफ पर्संस के अंदर ये एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल ए टीम ऑफ प्लेयर्स। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, इसके अंदर टीम के अंदर जितने भी खिलाड़ी हैं सबका बोध है कि किसी एक प्लेयर का। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की जो क्लास है वो। थिंग्स, थिंग्स के अंदर आया ए बंच ऑफ फ्लावर्स, एक फूलों का जो गुच्छा होता है वो। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स काफ़ी सारी होती है, उनका कलेक्शन क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ये तो हुए काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल। तो आगे हम आपको बताएंगे कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं। देखते रहिए, धन्यवाद।